नमस्कार, सोलापुरनामा 24 में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम अपने दर्शकों को कुंभारी बीड़ी घरकुल से एक सनसनीखेज खबर बताने जा रहे हैं। कुंभारी बीड़ी घरकुल परिसर में खड़ी मशीन के पास में एक ही दिन में 3 पान टपरियों को लूटा गया। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ में ये पान पट्टी वाले हैं, आपका नाम? जावेद। कब लूटा गया? आज रात में, कल रात में कुछ 2-3 बजे हुआ ही शॉट। कितने पैसे थे आपके पान पट्टी में? 13,500 रुपये थे। और कुछ माल था क्या साथ में? हाँ, माल था एक पान। आपके पास में कितना माल था, पान वगैरह कुछ थे क्या? पान के 2 करंडे थे, वो 2 करंडे भी गए, और 13,500 रुपये जो सुपारी का बिल था वो भी लेकर गए ले। और एक सिगरेट का टुकड़ा था 20 बॉक्स, कुछ तो था 3,000 का, वो भी लेकर गए। आपकी मांग क्या है पुलिस डिपार्टमेंट से? डिपार्टमेंट को तो हम यही दरख्वास्त करते हैं कि जो जल्दी जल्दी चोर पकड़ा गया तो बहुत अच्छी बात है। इससे पहले भी 3 बार पान पट्टी फोड़ी ले, लेकिन खास करके आप ही के पान पट्टी पर टारगेट किया जाता है। हाँ, इससे पहले भी 2 बार फोड़े थे, अभी 1 बार, तीसरी 3 बार हुआ है। 3 बार टारगेट तो अभी ये पान पट्टी भी ले, बाकी के नहीं फोड़े थे, ये बार सब लंच ही फोड़े ले पान पट्टी। घरकुल परिसर में जिस तरह पहले चोरियों की वारदात अंजाम दी जाती थी, आज घरकुल परिसर में पान टपरियों को वारदात अंजाम दी जा रही है। पुलिस डिपार्टमेंट इसके आगे क्या पहल करेगी, देखते रहिए सोलापुरनामा 24। अभी हमने बताया कि जिस तरह घरकुल में चोरी की वारदात पान टपरी पर आई है, अभी दूसरे पान टपरी वाले से मुलाकात करेंगे। आपका नाम? महबूब मुल्ला। कब चोरी हुई? रात में 2 बजे से आगे। कुछ पैसा वगैरह था क्या? हाँ, पैसा था और माल सिगरेटा थे। कितना पैसा था? पैसा 4-5 हज़ार रुपये तक था। आपकी पुलिस डिपार्टमेंट से क्या मांग है? ये मांगा कि चोरों को पकड़ना, यहाँ से दोबारा नहीं चोरी होना और हमारे पैसे मिलना। कितनी मरतबा चोरी हुई आपके पास? अब 2 मरतबा हुई। 2 मरतबा हुई। इसके पहले कोई कार्रवाई हुई थी क्या? नहीं, इसके पहले हुई नहीं कार्रवाई, इस बार। अच्छा, आप क्या मांग कर रहे हैं अभी फिलौकत? अभी क्या मांग, ये तो चोरों को पकड़ना और हमारे पैसे हमारे को मिलना। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जिस जगह पर चोरी हुई है, उन लोगों की यही मांग है कि पुलिस डिपार्टमेंट इस पर ख्याल करे। और ख़ास करके ताज्जुब की ये बात है कि घरकुल का मेन चौक, जिसे खड़ी मशीन के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर ऐसे मेन चौक में अगर चोरी होती है तो ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। मैं जिस तरह से हम बता रहे थे कि घरकुल परिसर में खड़ी मशीन के पास मेन चौक में जो चोरी की वारदात हुई है, पान टपरी जो गरीब लोग पान बिका करके मोल मजूरी करके खाते हैं, ऐसे लोगों पर अन्याय हो रहा है। हम पूछना चाहेंगे कि किस तरह ये चोरी हुई, आपको इसके बारे में कुछ सुबह में आने के बाद कुछ पता लगा? पता तो लगा नहीं, मैं तो 4 दिन से बंद रखा था पान पट्टी, इसलिए फूटी समझा मैं। उधर ठहरने के बाद एक दोस्त बोला 3 दुकानें फूटे हैं बोलकर, मैं इधर आकर देखा तो मेरी भी पान पट्टी फूटी लिया है। अंदर 650 रुपये थे और 5 गोल ब्लैक के पैकेट थे, ये सब लेकर गए। सुपारी थी थोड़ी, वो भी लेकर गए, पान की सुपारी और पान का करंडा भी लेकर गए साथ में। आप कितने दिन से पान टपरी चलाते हैं? अभी मैं यहाँ 4 महीने से चला रहा, ये मेरी पहली बार फोड़े लिया पान पट्टी। पहली मरतबा फूटी? हाँ, 4 महीने से हुआ था लॉकडाउन के बाद, 15 दिन हुआ था मैं खोल कर, उसमें भी 8 दिन बंद थी पान पट्टी, फिर भी फोड़े वो। अंदर पैसे 650 रुपये थे, गोल्फ लैक के पैकेट थे, सब ले गए वो। और हम कर खाने वाले को ऐसा क्यों? यहाँ पर मांग की जा रही है कि मोल मजूरी करके खाने वाले लोग, जो पान टपरी की दुकान चलाते हैं, पान बिका कर खाते हैं, ऐसे लोगों पर अन्याय हो रहा है। आपकी पुलिस डिपार्टमेंट से कुछ मांग है क्या? कुछ भी नहीं, हमारा पैसा मिले दे हमको, हमारा जो चोरी गया सो पैसा उतना मिले दे, और ऐसा दूसरी बार किसी के साथ होना नहीं। ऐसा दूसरी मरतबा कोई पान टपरी वाले हो या कोई दुकान वाले हो, उनसे ये वारदात नहीं होना चाहिए, ये लोगों की मांग है। देखेंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट अब इस वारदात को, इन चोरों को किस तरह पकड़ती है। आप देखते रहिए सोलापुरनामा 24।
सोलापुर नामा 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पे प्रेस करें, साथ ही साथ लाइक करें और शेयर करना न भूलें।